नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। हो चुका आगाज रण में युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष था जारी। दोस्तों, जो आप लोगों का PGCIL में ट्रेड टेस्ट होने वाला है, इस ट्रेड टेस्ट की जो शुरुआत है मेरे भाई, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। यानी कि 7 अगस्त से जो ट्रेड टेस्ट है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रही है 6 से 7 अगस्त से। तो जिन जिन छात्रों का 6 या 7 अगस्त को ट्रेड टेस्ट होना है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना। और किस लोकेशन में उनका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ये भी उनको लिखना है। देखिए, जो PGCIL का ट्रेड टेस्ट है दोस्तों, है ना, इस पर हमने आपको काफ़ी ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाए, आपके लिए हेल्प किया, और जितना हमसे हो सका हमने आपका हेल्प किया और आपको इक्विपमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, है ना। और आप लोगों ने भी बड़े ही प्यार से सारे जो हमारे वीडियो थे, सारे जो इवेंट थे, उन सभी में आप लोगों ने दोस्तों अपना विश्वास और प्यार दिखाया, है ना। अब बारी है, जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको दोस्तों कुछ परसेंट आपसे उसको अब प्रैक्टिकल रूप से करने की बारी है। तो वहाँ पर देखिए, ज़्यादातर जो सवाल हैं वो आपसे मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, है ना। और जो स्किल टेस्ट होता है इसमें प्रैक्टिकली कराया जाता है, लेकिन ट्रेड टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो बिठा करके दोस्तों मौखिक रूप से जो उस प्लांट का जो GM होते हैं, है ना, जो JE होते हैं, है ना, जो फुल इंजीनियर और जो GM होते हैं, यही सब बैठ के दोस्तों आप लोगों से जो है वो मौखिक रूप से सवाल पूछते हैं। और आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है यहाँ पर, है ना, ना कि आपको यहाँ पर कोई नंबर मिलेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपसे 8 सवाल पूछे जाते हैं, तो उनमें से 4 से 5 सवाल का भी अगर आपने आंसर सही तरीके से दे दिया तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, है ना। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक और बड़े ही तसल्ली के साथ दोस्तों उनके सामने गट्स के साथ बैठना है, है ना। अंदर में किसी भी प्रकार का कोई दोस्तों डर नहीं होना चाहिए, ताकि आपके अंदर की जो बात है वो बाहर आप आसानी से उसको निकाल सकें, ठीक है ना। तो ये रही ट्रेड टेस्ट की बात। तो सबसे पहले उन सभी तमाम छात्रों को, तमाम हमारे दोस्त मित्र भाई जो हैं, जो ट्रेड टेस्ट देने के लिए तैयारी बना रहे हैं, है ना, उनको हमारी ओर से दिल की गहराइयों से दोस्तों शुभकामनाएँ, दिल की गहराइयों से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और दुआ करते हैं। देखिए, प्यार हमारा है, सपोर्ट हमारा है, है ना, बाकी मेहनत और लगन संघर्ष आपका है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके सर पे है, है ना। जाइए और फिर वहाँ से विजयी होकर के वापस आइए, है ना। तो दोस्तों, साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, आपको पता है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, जो भी छात्र हैं, जैसे कि जिस छात्र का अगर घर से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर उनको जाना है ट्रेड टेस्ट देने के लिए, वो एक दिन पहले ही उनको घर से निकल जाना चाहिए, है ना, ताकि टाइम से वो अपने ट्रेड टेस्ट के स्थान पर पहुंच सके। जो उनका रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम पर वो आराम से आसानी से पहुंच सके। एक दिन पहले ही निकल जाइएगा, और हो सकता है अगर वहाँ अगर रुकने की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो छोटे मोटे लॉज लेकर के, होटल लेकर के आप कहीं पर भी ठहर सकते हैं, है ना। बहुत से छात्र तो ऐसे हैं जो लॉज या फिर होटल का खर्च नहीं उठा सकते, तो उनके लिए दोस्तों रेलवे स्टेशन ही उनका लॉज है और रेलवे स्टेशन ही उनका होटल है, है ना। तो देखिए, किसी न किसी तरह से तो आपको अरेंजमेंट करना ही होगा। तो आप एक दिन घर से पहले निकल जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ निकलिएगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके लिए, आवश्यकता किन किन डॉक्यूमेंट्स की है, है ना, एक बार पहले ही मैं वीडियो बना करके आपको बता चुका हूँ, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल ना रही होगी उसको आप टाइम रहते बनवा लीजिए, है ना। तो अभी देखते हैं फिलहाल कि आपके लिए क्या क्या आवश्यक है, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको लेकर के जाना है। तो देखिए, ये हमारा है PGCIL का कॉल लेटर, है ना, PGCIL का फॉर्मेट है ये, है ना। कॉल लेटर तो आपके मेल आईडी पर आया होगा, तो ये फॉर्मेट है। यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं, कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बोला गया है, सर देखिए, कि प्लीज साइन द अटेंडेंस शीट अपॉन अराइव्ड
अराइवल ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द डे ऑफ डे द ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो आपका अटेंडेंस, जैसे कि आप यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर एक सीट होगा है ना, उस सीट पे अपना अटेंडेंस लगाना होगा, उस अटेंडेंस में जिस प्रकार से आपका नाम सीरियल बाय सीरियल उसमें लिखा होगा, जितने नंबर पर आपका नाम होगा ऊपर से उतने ही नंबर पर आपको बुलाया जाएगा, है ना। ये सारे बातें कही गई हैं, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये उनका काम है ना। अब देखिए पॉइंट नंबर थ्री में जो ए पॉइंट नंबर ए है ना, यहाँ पर लिखा हो पर्सनल रिज्यूम हैंड फिल्ड एलॉन्ग विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन, यानी कि जो निदेशक मंडल होते हैं, जो निदेशक मंडल होते हैं निदेशक मंडल की घोषणा के साथ जो पर्सनल रिज्यूम होता है जिसको हाथ से भरना होता है उसको भर करके आपको ले जाना है, ध्यान से सुनना। फिर ऑप्शन नंबर बी में है ऑनलाइन रिज्यूम। ऑनलाइन रिज्यूम का मतलब है कि जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया उस टाइम पे आपको एक प्रिंटआउट मिला होगा, एप्लीकेशन का प्रिंटआउट, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ले करके जाना है ना। फिर तीसरा है कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए जो आपके जीमेल आईडी पर या फिर ईमेल आईडी पर जो कॉल लेटर आया होगा उस कॉल लेटर को भी आपको साथ में ले करके चलना है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ आइडेंटिफाई प्रूफ। अब आपको, आपके पास अगर आधार है तो आपको आधार कार्ड ले जाना होगा, पैन कार्ड है तो पैन ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ले जा सकते हैं, अन्यथा पासपोर्ट जो होता है अगर वो है तो वो भी ले जा सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक है आपके पास है ना, इसको आप लेकर के जा सकते हैं, एज ए आइडेंटिफाई प्रूफ के रूप में काउंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें जन्मदिन आपका लिखा हो, वो मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं टेंथ का सर्टिफिकेट, तो दसवीं का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। अगला कॉपी ऑफ 10+2 सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि लागू हो, अगर आवश्यकता हो तो आप दसवीं के साथ साथ बारहवीं का भी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कॉपी ऑफ आईटीआई सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर यह है कि आईटी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है और मार्कशीट भी ले जाना है। पहले टाइम पे क्या होता था कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर, सिक्स मंथ का एक सेमेस्टर होता था, यानी कि एक साल में दो बार एग्ज़ाम होता था, अगर दो साल का आपका आईटीआई है तो चार बार एग्ज़ाम होता था, तो वो चारों सेमेस्टर का आपका जो है रिजल्ट दोस्तों मार्कशीट वो आपके पास होना चाहिए, और साथ में फाइनल का रिजल्ट जो होता है वो भी होना चाहिए, और इसके साथ में जो आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट होगा उसको भी लेकर के जाना है ना। तो आईटीआई के कितने हो गए, अगर सेमेस्टर वाइज है तो चार वो और एक मेन वाला, यानी कि पांच आईटीआई के सर्टिफिकेट हो गए, पांचों लेकर के जाना है। ठीक, अगला है आपका क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन है ना। फिर है कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिक्लेरेशन इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी नॉन क्रिमिनल का है ना, तो ये लेकर के जाना है आपको ओबीसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाला, ऑनलाइन वाला भी लेकर के जाना है, ऑफलाइन वाला भी लेकर के जाना है। फिर है पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है ना, ये बातें कही गई हैं, अगर ये सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट है ना, जम्मू एंड कश्मीर डोमेसाइल है तो ये अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा, ये सारी बातें कही गई हैं। फिर नेक्स्ट है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर के जा सकते हैं आप। फिर है कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास अगर वर्क मतलब आपने कहीं पर भी किसी पावर जनरेशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, या किसी जीएसएस में, या किसी अदर प्लांट में कहीं पर भी आपने काम किया होगा, तो ऐसे वहाँ पर जो आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिला होगा उसको भी लेकर के जा सकते हैं, ये प्रमोशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना। फिर है एनओसी है ना, एनओसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी ले जा सकते हैं है ना। तो फिर है आपका ये है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग ट्रेड टेस्ट, यानी कि ट्रेड टेस्ट के संबंध में अंडरटेकिंग, जिस टाइम पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये आपका काम नहीं है, ये काम है विभाग का, विभाग आपको देगी है ना। यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गया, अगर हुआ दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में यस जो है वो जरूर लिखेगा। मुझे पता है एक दिक्कत जरूर बच्चों को यहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आएगा
एनी अदर क्वालिफिकेशन को लेकर के, ठीक है ना। साफ साफ इस भर्ती में बोला गया है कि भाई अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए हम आपको उसके लिए नॉट अलाउ करते हैं, हम आपको अलाउ नहीं करते हैं। अब देखिए जितने फॉर्म अप्लाई हुए ना उसमें से 50%, मैं तो कहूँगा 50% भी प्लस है, 50% प्लस छात्र ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के साथ दोस्तों फॉर्म को अप्लाई किए हैं, वो अपना जो डिग्री है, जो अपना डिप्लोमा है उसको छुपा करके उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, हकीकत तो यही है। अब देखिए वहाँ जाने के बाद क्या होता है, ठीक। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स मेंशनड एट सीरियल नंबर 3238-3M इफ एप्लीकेबल शुड बी सेल्फ अटेस्टेड है ना साइंड बाय द कैंडिडेट एंड कैंडिडेट विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल ऑफ रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपका सीरियल नंबर 3 का जो ए है यहाँ से लेकर के सीरियल नंबर 3 का एम तक जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसका आपको क्या करना है, इसका मूल प्रति लेकर के जाना है दोस्तों। क्या करना है, इसका मूल प्रति यानी कि हार्ड कॉपी लेकर के जाना है, ये बात यहाँ पर कही गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब कुछ हार्ड कॉपी देखा जाएगा। फिर है अगला है पांचवा नंबर की फोटो कॉपीज शुड बी क्लियर एंड लीजिबल। यानी कि फोटो कॉपी आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर एक एक अक्षर दिखे दोस्तों, है ना। ऐसा ना हो कि धुंधला हो या फिर कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया हो उस फोटो कॉपी में, तो ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल दोस्तों क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये है अगला है कि कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज शैल ओनली बी अलाउ टू अपेयर इन द ट्रेड टेस्ट ऑन द डेट मेंशनड और देयर कॉल लेटर। जो आपके पास ईमेल आईडी पर कॉल लेटर आया है और उस कॉल लेटर में दोस्तों मतलब कि उस कॉल लेटर को आपको ले करके जाना है ना, उस कॉल लेटर को आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तभी जा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आगे की जो प्रोसेस होगी वो होने वाला है। अन्यथा आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई वो नहीं मिलेगा कि भाई आपके पास कॉल लेटर नहीं है तो भी हम आपको ट्रेड टेस्ट जो है वो ट्रेड टेस्ट के लिए अलाउ कर दें। सातवां नंबर है कि टी लाइटली ब्रेकफास्ट और लंच। यानी कि आपको हल्का फुल्का यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच में मिल जाएगा कुछ खाने को और चाय की व्यवस्था है, तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने व्यवस्था किया है आप लोगों के लिए, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि एक भूखा जैसे कोई भी इंसान है, अगर वो भूखा है तो वो क्या ही ट्रेड टेस्ट देगा और क्या है वो अगर कुछ पूछता है तो वो क्या ही ढंग से बता पाएगा, है ना। अंदर जान होना चाहिए ना, तो उसके लिए ये व्यवस्थाएँ करी गई है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ऑल द बेस्ट, है ना, आपके लिए। फिर देखिए ये इनका फॉर्मेट है दोस्तों, इस फॉर्मेट को भर करके जाना है। ये फॉर्मेट कैसे भरना है मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप देखिएगा कैसे कैसे आपको भर करके इसको लेकर के जाना है ना। तो ये इनका फॉर्मेट है, पर्सनल PGCIL का फॉर्मेट है। हर विभाग में जब वैकेंसी आती है तो उनका पर्सनल एक फॉर्मेट होता है, उसको फिल करके जाना होता है, तो यहाँ पर भी आपको फिल करके जाना है। आई होप कि सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं अपने इस लफ्ज़ों को दोस्तों यहीं पर अल्प विराम देना चाहूँगा। जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानियाँ आएंगी इससे रिलेटेड, है ना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़िएगा। वहाँ पर दोस्तों एक कमेंट आप डालेंगे ना तो आपको हज़ारों रिप्लाई आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। और आप सभी के लिए एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अगर उनका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल को आपको हमारे WhatsApp ग्रुप में शेयर करना होगा, है ना, इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू।